नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत एक आंदोलन के रूप में हुई थी। आज से करीब 113 साल पहले 1908 में इसकी शुरुआत की गई, जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में करीब 15,000 महिलाओं ने मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों, बेहतर सैलरी और वोटिंग के अधिकारों की मांग की गई। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। क्लारा ज़ेटकिन ने 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया। उस वक्त कॉन्फ्रेंस में 17 देशों की 100 महिलाएं मौजूद थी। उन सभी ने इस सुझाव का समर्थन किया। सबसे पहले साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता उस वक्त दी गई जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर एक थीम के साथ मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहली थीम रखी गई थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। पहले कुछ समय तक महिला दिवस मनाने की तारीखों में अंतर रहा। तत्काल समय में रूस जूलियन कैलेंडर का प्रयोग किया करता था, जबकि विश्व के अन्य देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलन में था। इसके बाद 8 मार्च 1921 को दुनिया भर में एक साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। महिलाओं के सम्मान में यह दिवस हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल इस दिन की एक स्पेशल थीम होती है। तकनीकी तौर पर इस साल हम 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, जिसकी थीम महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना रखी गई है। ऐसा कोरोना काल में सेवाएं देने वाली महिलाओं और लड़कियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए रखा गया है। बीते साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम #EachForEqual थी। आइए जानते हैं उन कुछ महिलाओं को जो कोरोना काल में महत्वपूर्ण सेवाएं और योगदान के लिए जानी गई। भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोविड काल में मानवता की सेवा के लिए भारत का खजाना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। बगैर किसी भ्रष्टाचार का आरोप लगे उन्होंने मानवता की सेवा और भारत को कोविड काल से बाहर निकालने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए। खास तौर पर स्वास्थ्य और रक्षा विभाग के लिए जो पूर्तियां की गई वह भारत को मजबूत बनाने के लिए अविस्मरणीय योगदान माना जा। दीपा पवार अनुभूति के संस्थापक और निदेशक हैं, जो युवा महिला नेतृत्व वाले संगठन इक्विटी न्याय और लोकतंत्र के लिए काम करती है। जब भारत में पॉजिटिव कोविड-19 मामलों की खबरें आने लगी तब दीपा ने सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदाय जिनमें आदिवासी समुदाय और घुमंतू जनजातियां भी शामिल है, उनके परिवारों को शुष्क राशन किट वितरित की। इसके साथ ही दीपा ने वीडियो निर्माण के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का काम भी किया। परचम के सह संस्थापक तबा खान वर्तमान में ट्रांसफार्मिंग एम ईस्ट पार्ट प्रोजेक्ट के सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। अपने कोविड-19 राहत कार्य के हिस्से के रूप में उन्होंने 1,000 परिवारों को राशन प्रदान करने के लिए TISS द्वारा प्रतिस्थापित टीम के साथ काम किया और इसके साथ ही 4,000 पैकेट रोजाना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही। अनुराधा भोसले कोल्हापुर में अवनी फाउंडेशन के कार्यक्रम समन्वित के रूप में इन्होंने विशेष रूप से 1995 से
कूड़ा बीनने वाले समुदाय की एक प्रबल समर्थक की भूमिका निभाई। कोविड-19 के बढ़ते खतरे के बीच अनुराधा मास्क, दस्ताने और अन्य आवश्यक उपकरण प्रदान कर रही है ताकि महिलाओं को काम फिर से शुरू करने में मदद मिल सके, क्योंकि अब शिष्ट उठाने से वायरस हो सकता है। घोषावर्त बेले ग्रामीण महिला विकास संस्थान GMVS की अध्यक्ष के रूप में, यह स्वयं सहायता समूह के साथ काम करती है और उन्हें ऋण देकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अधिकार देती है। इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को वैश्विक महामारी के बारे में अवगत कराना शुरू कर दिया था। प्रीति सुदान आंध्र प्रदेश केडर के 1983 बैच की IAS अधिकारी। उनका मंत्रालय वर्तमान में कोरोना वायरस चुनौती से लड़ने के लिए नोडल एजेंसी है। इन्होंने वुहान चीन से 645 छात्रों की निकासी में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अपने कैडर के बीच सूडान के पास वित्त, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और कृषि में सेवारत का एक विशिष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। डॉक्टर निवेदिता गुप्ता देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में महामारी विज्ञान और संचारी रोगों के विभाजन तथा वायरल रोगों की प्रभारी डॉक्टर गुप्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी भारत में परीक्षण और उपचार प्रोटोकॉल का निर्माण करना है। इन्होंने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली परीक्षण किट और वेंटिलेटर बनाए। प्रिया अब्राहम जो देश के रीढ़ की हड्डी की तरह नेतृत्व करती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जो ICMR से संबंध है। NIV कोविड-19 के लिए शुरू में देश का एकमात्र परीक्षण केंद्र था। जैसे जैसे मामलों की संख्या बढ़ती गई, NIV कोविड-19 नमूनों के परीक्षण के लिए लगने वाले 12-14 घंटे को घटाकर 4 घंटे में लाने में सफल रहा। संस्थान ने शुरू में सभी परीक्षण किए थे, लेकिन बाद में ICMR ने प्रयोगशाला की संख्या बढ़ा दी, जिससे मामलों में उछाल आ गया। अब्राहम के नेतृत्व में NIV ने इन प्रयोगशालाओं को समस्या निवारण में मदद की और प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के लिए अभिकर्मक आपूर्ति सुनिश्चित की।